हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज बात करेंगे हम न्यूमरोलॉजी नंबर 4 की। इस सीरीज़ में जैसा कि हम बात कर रहे हैं, सारे हमने नंबर लिए हैं 1, 2, 3, 4। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं 1 होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया न्यूमरोलॉजी 1 नंबर एसोसिएटेड होता है आपका सन के साथ, सेकेंड होता है मून के साथ, थर्ड होता है जुपिटर के साथ। वैसे ही अगर आप न्यूमरोलॉजी नंबर 4 की बात कर रहे हैं तो 4 एसोसिएटेड होता है राहू के साथ। राहू, हाँ जी, राहू जो कन्फ्यूजन का प्लैनेट है, जो कि एक साइंटिस्ट भी है, जो कि एक स्वीपर भी है, जो कि ड्रग्स का भी कारक राहु है, तो आप कह सकते हैं जो स्पेस ट्रैवल करते हैं वो भी राहु है, एक मजिशियन राहु है, उस तरीके से आप बैक्टीरिया का कारक अगर आप कहें तो राहु है, बीमारियों का कारक अगर आप कहें तो कहीं ना कहीं राहु भी इन्वॉल्व होता है, एक्सीडेंट का कारक कहें तो राहु होता है, अगर आप पॉलिटिशियन का कारक कहें तो राहु होता है, सडन राइज का कारक कहें तो राहु होता है, सडन फॉल का कारक कहें तो राहु होता है, तो ये सब चीज़ें होता है। तो नंबर 4 वाले लोग ऐसे ही होंगे, इनके साथ बहुत चीज़ें बहुत सडनली होंगी, या तो सडन राइज होगा या सडन फॉल होगा। लेकिन प्लीज़ इतना ध्यान रखिए, ये कॉम्बिनेशंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। अकेले आप फ़ोन नंबर से ये जज मत कर लीजिएगा कि ये ख़राब होता है। और एक चीज़ मैं आगे, प्लीज़ इस वीडियो को में इतना ध्यान रखिए, मैंने पहले वीडियोज़ में जैसे कि आपको बताया, कोई भी नंबर 2 बार रिपीट हुआ, सपोज़ 1-1 हुआ, तो वो आपको कॉन्फिडेंस को गिरा देगा। सब 1 है तो कॉन्फिडेंस है, 1-1 है तो वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, 2 है तो वो इमोशंस है, 2 है तो वो डिप्रेशन है, 3 है विजडम है और नॉलेज है, 3 है तो फेक नॉलेज है, नॉलेज है बट फेकनेस ज़्यादा है वो। लेकिन राहु के केस में थोड़ा अलग है, क्योंकि ये प्लेनेट ही अलग है। 4 मतलब पॉजिटिव, 4 में तो ये नेगेटिव है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज़ करा दूं कि अगर आप ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है, इसको सम करेंगे तो आपका बेसिक नंबर निकलेगा, अगर आप इन सबका सम करेंगे तो आपका डेस्टिनी नंबर निकलेगा। बेसिक नंबर आपका एक्टिवेट होता है आपका 30 इयर्स से पहले, डेस्टिनी नंबर एक्टिवेट होता है आपका आपका या तो आपकी शादी के बाद या फिर आपकी 30 ईयर की एज के बाद। तो अगर आपका इनमें से कोई भी बेसिक नंबर 4 आ रहा है, जैसे कि आपने 4 और 0 को सम किया तो बेसिक नंबर 4 आ रहा है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताई कि आपके साथ कुछ भी चीज़ सडनली होगी, कन्फ्यूजन रहेगा, लाइफ में थोड़ी टेंशंस ज़्यादा रहेंगी, तो ये नंबर 4 का कारक है। अब इसके साथ क्या होगा, अगर 4 आ रहा है तो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी कम क्रिएट करेगा। अगर नंबर 4 नहीं, दोबारा एक ही बार आ रहा है, तो जब भी 4 का कॉम्बिनेशन 9 के साथ आएगा, आपको या तो लिटिगेशन हो सकता है, हेल्थ ख़राब हो जाएगी, एक्सीडेंट्स होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, तो इस तरीके से ये चीज़ें होंगी। 4 अकेले उतना बहुत इम्पॉर्टेंट, उतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितने इसके कॉम्बिनेशंस हैं। तो ये क्या कहते हैं, क्योंकि 4 जनरली जिसके साथ जुड़ता है ये थोड़े से नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा देता है, लाइफ में टेंशन ज़्यादा देगा, चीज़ें काम आसानी से नहीं बनेंगी। लेकिन जिसका नंबर ये पॉजिटिव है, उस चीज़ उसको ये साइंटिस्ट भी बना देगा, डीप थिंकर बना देगा, रिसर्चर बना देगा, और आप स्पेस ट्रैवलिंग इससे देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें राहु या नंबर 4 से एसोसिएटेड है। ये काफ़ी आप मान के चलिए ना, आप इन लोगों के बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते बहुत आसानी से कि कब ये क्या करेंगे, क्या होगा, क्योंकि इनका अभी जैसे कॉम्बिनेशन है 8-4, अगर सपोज़ कीजिए 8-4-2 का कॉम्बिनेशन है तो ये लोग कहीं पे भी कुछ भी बोल देंगे, सडन राइज होगा या तो फिर सडन फॉल होगा। तो इस तरीके की चीज़ें इनके साथ बनती है। 4 के कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम आगे सेशंस में जानेंगे कि 4 क्या क्या कॉम्बिनेशन बनाता है, किस किस चीज़ के साथ क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। 4 क्या होता है, कन्फ्यूजन पैदा करता है। अगर आपका कुछ चल रहा है और 4 नंबर आपकी दशा या महादशा में चल रहा है, तो ये आपका अगर डायग्नोस कर रहे हैं किसी चीज़ को, ये कन्फ्यूजन पैदा करता है जनरली। तो इससे ये सब चीज़ें ये प्रॉब्लम देता है, एक्सीडेंट्स का कारक होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली एक्सीडेंट ही होगा, अगर 4 बेसिक नंबर है तो आप ये नहीं कह सकते आप बहुत अनलकी हैं, डिपेंड करता है इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ बन रहा है। और अगर जैसे मैं इसका एग्जांपल हूँ, इसमें कॉम्बिनेशन बन रहा है 4 का 9 के साथ, आप इनिशियल के ये जो 19 है इसको हटा दीजिए, लास्ट के 2 डिजिट देखिए, इसके साथ बन रहा है, क्योंकि ये इन डिजिट्स का कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ हम काउंट करते हैं डेस्टिनी नंबर के लिए। जब भी हम ग्रिड बनाएंगे आगे चल के, जो कि हम देखेंगे उसमें, हम खाली लास्ट के 2 नंबर देखते हैं, 9-2 है, 9 का कॉम्बिनेशन बन गया 4 के साथ, तो अभी ये एक्सीडेंट्स दिखाने के चांसेस रहता है। जब भी 4-9 की अंतर्दशाएँ इसमें आएंगी, ये आपको बैड हेल्थ दिखाता है, हेल्थ में आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी, आपके साथ लिटिगेशन हो सकता है, कोर्ट केसेस हो सकते हैं,
जेल जाने की संभावना बन जाएगी अगर इसका कॉम्बिनेशन 9 के साथ बन रहा है और महादशा या अंतरदशा में, जो कि हम देखेंगे कि कैसे आपका ईयर नंबर निकाला जाता है, कैसे आपकी कौन से नंबर की महादशा चल रही है वो हम देखेंगे कि कैसे निकालते हैं, वो हम आगे वाले सेशन में देखेंगे जब हम कॉम्बिनेशन डिस्कस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स बताइए कि अगर आपका नंबर 4 है कि आपके साथ ये ट्रेड्स हैं, अगर हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर कुछ गलती है, आपको लगता है कि ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको क्लेरिफाई करूँगा कि आपको क्यों डाउट हो रहा है, कहाँ पे डाउट हो रहा है, ये हम देखेंगे। उसके बाद अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं बेस्ट पॉसिबल उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा आपको। और प्लीज़ इस चैनल को शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।